नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं किचन के वास्तु के बारे में। तो जैसा कि आप इस किचन और उसके कुछ पार्ट्स देख पा रहे होंगे, तो मैं एक एक पार्ट्स को समझाते हुए उनकी लोकेशन के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। ये एक दूसरी इमेज है, ये एग्जांपल के दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे आपको बताने वाले हैं। ये एक तीसरी इमेज है, ये आपके लिए। ये एक फोर्थ इमेज है। सब इमेजेस AI से जनरेटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं कि जैसा किचन के बारे में, तो किचन में अभी तो अपन पहले इक्विपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका स्टोव हो गया, ये आपका होब बोलते हैं इसको, ये आपका चिमनी हो गई, इसके अलावा अभी पहले अपन चिमनी और स्टोव या होब के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? तो क्योंकि इनकी डायरेक्शन मेन आग्नेय कोण में होनी चाहिए। एक सेकंड, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। इनकी डायरेक्शन होनी चाहिए आग्नेय कोण में। आग्नेय कोण मतलब साउथ ईस्ट में, बट साउथ ईस्ट में इस तरीके से हो कि जो व्यक्ति खाना बनाएगा उसकी डायरेक्शन किस में, ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा हो। समझ में आया आपको? तुम्हारा चिमनी और स्टोव का काम कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वाटर सिंक के बारे में। वाटर सिंक के बारे में, तो जैसा कि हमने स्टोव के बारे में बात कर लिया है, ये आ जाएगा साउथ ईस्ट, जिसे बोलते हैं आग्नेय कोण, और ईस्ट डायरेक्शन में फेस करते हुए। जैसे कि हम किचन, पर्टिकुलर पूरी किचन को ही घर के नक्शे के अंदर साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में रखते हैं ना। साउथ ईस्ट तो इम्पोर्टेंट होता है, अब सेकेंडरी नंबर पे नॉर्थ वेस्ट में लेके आते हैं। उसी तरीके से अब जब किचन अपनी बन गई है, उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें अलग अलग जगह रखी जाती हैं, वो उसमें किचन को देखते हुए कहाँ कहाँ होनी चाहिए उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो ये हो गया आपका सिंक। सिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका स्टोव और सिंक के अंदर जितनी ज़्यादा हम मैक्सिमम डिस्टेंस बना सकते हैं उतनी मैक्सिमम डिस्टेंस बनाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वाटर एलिमेंट है, कहाँ जाएगा? नॉर्थ वेस्ट के अंदर जाएगा। सॉरी, नॉर्थ ईस्ट में जाएगा। ये क्या थोड़ा जल्दीबाजी में कई बार गड़बड़ हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट में जाएगा वाटर एलिमेंट, हो गया ना, नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये आग्नेय हो गया, ये ईशान हो गया, ईश्वर वाला, ये वायव्य हो जाएगा, ये आपका कौन सा हो जाएगा, नैऋत्य कोण, नॉर्थ ईस्ट के अंदर चले जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ विंडोज़ के बारे में, विंडो खिड़कियों के बारे में। खिड़कियाँ, अगर बड़ी खिड़कियों की बात करें, तो बड़ी खिड़कियाँ किस तरह आती हैं आपकी? ये आ जाती हैं आपकी ईस्ट डायरेक्शन में। पर जो छोटे छोटे वेंटिलेटर्स होते हैं, अपन वेंटिलेटर्स वगैरह जो निकालते हैं छोटे छोटे, वो हम कहाँ दे सकते हैं? साउथ डायरेक्शन में। अब एक बार और फिर से पानी की बात करते हैं, तो पानी, जैसे वाटर स्टोरेज वगैरह अपन रखते हैं, वाटर स्टोरेज किचन में रखते हैं, तो वाटर स्टोरेज का रखेंगे अपन, वाटर स्टोरेज भी नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे, क्योंकि सिंक भी अपना कहाँ आता है? नॉर्थ ईस्ट में। कोई टैप बनाना है अपन को, कहाँ बनाएंगे? नॉर्थ ईस्ट में। अब आता है, अपन बात कर लेते हैं माइक्रोवेव, ओवन, रेफ्रिजरेटर, तो ये कहाँ जाएगा? ये हो गया है, एक सेकेंड, कुछ हाँ चलो वापस हो गया। माइक्रोवेव, ओवन, रेफ्रिजरेटर,
रेफ्रिजरेटर जो है आपका, फ्रिज हो गया, ओवन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ये कहाँ चले जाएगा आपका? ये चले जाएगा साउथ वेस्ट में, नेटिव में। मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आपके कहाँ जा रहे हैं? साउथ वेस्ट में जा रहे हैं।